आ मेरा सोना महबूब, आ मेरा प्यारा हबीब, ऐलान करते हैं इसने तैयारी कर हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला ने फरमा दिया जाए मेरा आका ऐ दसो की क्या जरूरत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज एक दोस्त मिलन वास्ते जामने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तैयारी कराओ। अच्छा जरूर भाई कोई नहीं सब के ऊपर आप ना जाए के आ फौत की हो गई उन्ने 7 बजे रखा जो के बाद तू थाई 7 तू बाद 7:30 सवा 7 ईद पर ऐसी वो बात तो मैं दूं देगा दूं मैं आजा आवे साहब पीर दे पास इस तो पहले पहुंच जा जी तो ना हम ईद पढ़ के आ गए थे, ईद पढ़ ली थी तो अभी यहाँ पे डेरे पे मौजूद हैं। अभी लोग आ रहे हैं, जानवर गुजर करते हैं, ये तो वर्दी शर्दी चेंज कर ली है क्योंकि आज कसाइयों वाला काम है, तो अभी उसकी तैयारी कर ली है, सुकून से कपड़े शपड़े उतार दिए, बस ईद पढ़ने के लिए पहने थे। अब सारा दिन ये गोश्त होना और हमने होना है और बहुत काम होना है, तो बस अभी स्टार्ट होने लगा काम, तो आपको साथ साथ दिखाते हैं। इन जाना एक जना इदू फा लवे तो एक इदू दो ऐसे चलो गुड छो छोटा पता नहीं पूछ वेखा बनो जब अच्छा जी अभी इधर जाना है, एक दो दो जानवर हैं तो दोनों की तरह अपना आ जा।
तलू वेख हां पूरा आ खले ना तो वे दंगल है चलो रही रहे कोला का पिछड़ा है ना ना क्यों रही है क्यों रही है भाई जान ये जानवर को गिराना बहुत मुश्किल है ये जी कुर्बानी हो गई है अभी ठीक है ना लोग बना रहे हैं गोश्त तो अभी ये 2-1 घंटे लगेंगे और गर्मी भी काफ़ी है लेकिन हवा चल रही है तो अच्छा मौसम बना हुआ है गर्मी है सही लेकिन हवा की वजह से ना थोड़ी कम है तो आज का ये जो ये बड़ी ईद होती है इसमें यही काम होता है गोश्त है जानवर है छुरियाँ टोके काम बागम बाघ कोई तैयारी वाला सीन नहीं होता। हाँ कल तैयारी करेंगे कल घूमे फिरेंगे आगे पीछे जाएंगे लेकिन आए तो बस ये गोश्त का ही सारा काम होता है जी। तो कुर्बानी से फ्री हो गए हैं तो अब डिवाइड किया और अब बारी ये तकसीम करने की तो अब मैं जा रहा हूँ तकसीम करने रिश्तेदारों में जिन जिन का हिस्सा था और बाकी लोग आ रहे हैं बच्चे गरीब लेने के लिए तो उसको दे देते हैं तो अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ डिवाइड करने बहुत थक गया हूँ खाना भी नहीं खाया और बिल्कुल ना एंड हुई पड़ी है तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक हमें भी मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक आपको और आपके सब घर वालों को अल्लाह पाक आपको खुश रखे हमारे लिए दुआ कीजिएगा और नेक्स्ट व्लॉग तक वेट कीजिएगा अल्लाह हाफिज़।